स्वागत है आप सबका न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंग्लैंड के अंदर। यह चौथा और अंतिम ओडीआई मैच है सीरीज का, जो खेला जाएगा लॉर्ड्स लंदन के ऊपर। मैच टाइमिंग है शाम के 5 बजे। तो सबसे पहले पिछले मैच के समरी देखते हैं, क्या हुआ था तीसरे ओडीआई के अंदर। आप देखें यहाँ पर इंग्लैंड आती है 368 बनाती, विशाल स्कोर यहाँ पे खड़ा किया उन्होंने। और आप देखें बेन स्टोक्स क्या गजब के इनिंग्स थी, और सबसे बेस्ट ओडीआई नॉक आज तक इंग्लैंड के किसी बैटर के द्वारा रही है बेन स्टोक्स के रही है। 182 किया डेविड मल्लान ने, 96 किया जॉस बटलर ने, 38 किया था मोइन अली ने, 12 बनाए। जो आपके अंदर ट्रेंट बोल्ट ने पंजा खोल दिया, पे 5 विकेट निकाले। बेन लिस्टर का 3 विकेट था, ग्लेन फिलिप्स और लुकी फर्गसन ने 1-1 विकेट यहाँ पे निकाला था। न्यूजीलैंड चेस करने आती है 369 का टारगेट और 187 रन से सिमट जाती है। ग्लेन फिलिप्स वन मैन आर्मी शो, 72 की इनिंग्स खेली, विकेट्स भी उन्होंने निकाले थे। रचिन रविंद्र ने 28 किया, डेरिल मिचेल ने 17 बनाए, काइल जेमिसन ने 14 किया था। जवाब के अंदर लिविंगस्टन और क्रिस वोक्स ने 3-3 विकेट निकाला, टॉपली का 2 विकेट था, सैम ग्रहम के यहाँ पर 1 विकेट था। इंग्लैंड यहाँ पर 181 रन से बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करती है। और जो मैच इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ कितनी ज्यादा है। एक तो सामने वर्ल्ड कप आ रहा है, ठीक है, और टीम यहाँ पर चाहेगी इस सीरीज को जीते। इंग्लैंड की टीम अभी इस फिलहाल इस सीरीज के अंदर 2-1 से आगे चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट मैच है ये सीरीज को तो लेवलअप करेगा, या फिर आप देखोगे इंग्लैंड 3-1 से आगे निकल जाएगी। तो देखने लायक होगा इस गेम में किस तरह से न्यूजीलैंड की टीम कमबैक करती है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच इनके लिए है, क्योंकि इन्होंने T20 सीरीज को ड्रॉ किया था 2-2 करके। तो लेट्स सी इस क्लैश के अंदर क्या होता है। अब देखो इस वीडियो के अंदर आपको टोटल 75 स्लाइड देखने को मिलती है, जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट फैंटेसी टीम बनाने के अंदर। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मेरा काम क्या है, आपके सामने बेस्ट कंटेंट लाना। अब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्या फायदा है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम के ऊपर दे देता हूँ। ज्वाइन कैसे करना है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। लॉर्ड्स के ऊपर मैच है, और हर क्रिकेटर का सपना होता है बचपन से कि भाई साहब मैं लॉर्ड्स के ऊपर खेलूं, क्योंकि ग्राउंड ऐसा ऐतिहासिक स्टेडियम है, हिस्टोरिकल स्टेडियम है, और वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेडियम है। अगर आप मोहम्मद नबी से भी पूछते हो, जो 40 साल के हो चुके हैं, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस T20 ऑलराउंडर है, वो भी कहते हैं मेरा फेवरेट ग्राउंड लॉर्ड्स है। तो आप देखें इस वन्यू के ऊपर लास्ट मैच खेला गया था 20 अगस्त को, आप कह सकते हो करीबन 1 महीने पहले यहाँ पे मैच हुआ था, मिडिलसेक्स वर्सेस लैंकेशायर का। ये टूर्नामेंट था रॉयल लंदन कप का, ये 50 ओवर का डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है इंग्लैंड के अंदर। उसमें क्या हुआ था, जो टीम पहले बैटिंग करने आती है लैंकेशायर 303 बनाती है, फिर यहाँ पे मिडिलसेक्स चेस करने आई होम टीम, 293 भी सिमट जाती है और 10 रन से हार जाती है। उससे पहले 246 बना 10 विकेट गवा के, जो टीम चेस करने आती है 146 पे सिमट जाती है। कौन सा मैच आपको बताइए, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच था, जिसके अंदर टॉपली ने 6 विकेट खोल दिया था, बॉल सेकंड करते हो, आपको फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूं मैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था टॉपली ने स्वेनी के ऊपर, और ये स्वेनी के ऊपर स्लोप है, मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा स्लोप किस तरह से हेल्प करती है फास्ट बॉलर्स को। थोड़ा सा मेरे को समझ दें, मैं आपको स्कोरिंग पैटर्न समझा देता हूँ। 247 बना 10 विकेट गवा के बैटिंग फर्स्ट, चेस करती हुई टीम 195 पे 10 विकेट गवा दी थी, टारगेट चेस नहीं कर पाती। इससे पहले यहाँ पे एक ऐतिहासिक मैच हुआ था, ये वही वेन्यू है जहाँ पर ये दोनों टीम्स ने वर्ल्ड कप का 2019 के अंदर फाइनल खेला था। इट्स इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, वही टीम्स आपस में उसी वेन्यू के ऊपर आपस में आपको भिड़ती हुई दिखेंगी। तो देखो उसमें क्या हुआ था, 241 बनाया था न्यूजीलैंड ने, फिर यहाँ पे इंग्लैंड भी 241 बना देती है और सुपर ओवर होता है, और उसके अंदर आपको पता है क्या हुआ था, उसके अंदर फिर से टाई हुआ, बट वहाँ पे ज्यादा चौके मारे थे इंग्लैंड के प्लेयर्स ने, इंग्लैंड की टीम ने, और वहाँ पे वर्ल्ड कप दे दिया गया इंग्लैंड को उनके हाथों के अंदर। तो अब देखें बड़ी बात क्या है, इस वेन्यू के ऊपर स्लोप होती है, आप देखोगे ये समझो एक स्टेडियम का, मैं आपको फोटो ही दिखाता हूँ। चलो स्टेडियम की मेरे पास फोटो है, टेंशन वाली बात नहीं है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ये स्टेडियम की फोटो है, ठीक है। ये एक एंड समझ लो, एंड मतलब नहीं कहेंगे इसको, स्क्वायर का रीजन समझ लो, एक ये हो गया छोर, एक ये छोर हो गया। तो ये स्टेडियम ना ऐसा एकदम सीधी पिच नहीं है, यहाँ पर पिच जो हल्की सी ऐसी टेढ़ी है, जी हाँ ये पिच एकदम सीधी नहीं है, यहाँ पे कुछ मिलीमीटर्स के अंदर पिच हल्की सी ऐसी टेढ़ी होती है, एकदम स्ट्रेट पिच नहीं है, आपको स्लोप देखने को मिलती है लॉर्ड्स के ऊपर। इवन आप मैच देखोगे, आप मैच के अंदर सुनोगे भी, जो कॉमेंटेटर्स होंगे स्लोप की बात जरूर करते हैं, और टॉपली जैसे बॉलर्स जो गेंद को स्विंग कराते हैं, टप्पे पर डालते हैं, उनके पास हाइट है, बाउंस मिलता है उनको, ऐसे बॉलर्स यहाँ पे बहुत डेंजरस हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस विकेट पे स्लोप होता है, स्लोप की वजह से बॉल कई बार एंगल से कटती है, यहाँ पे सीधी बॉल नहीं आती बल्ले के ऊपर, एंगल यहाँ पे बदलता है। जिस तरह से वोक्स ने लास्ट गेम में बॉलिंग करी थी, ऐसे बॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट इस वेन्यू के ऊपर रहने वाले हैं। तो आप देखो इस वेन्यू के ऊपर इंग्लैंड ने 8 में से 6 मैचेस जीते हैं पिछले, न्यूजीलैंड यहाँ पे 2 के 2 मैचेस हारी है,
थोड़ा दुख यहाँ पे होता है न्यूजीलैंड को देख के। अब देखें जो पिछले यहाँ पर 8 मैचेस खेले गए ना ओडीआई के अंदर और ओडीडी को मिला के 50 ओवर के गेम्स के अंदर, 7 मैचेस यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीता गया, 1 मैच यहाँ पे टाई हुआ है, चेस करते हुए आज तक इस वनडे के ऊपर कोई मैच जीता ही नहीं गया है। अब देखो इस वनडे के ऊपर जो लास्ट मैच था मिडिलसेक्स वर्सेस लैंकेशायर का 20 अगस्त को खेला गया था, उस गेम में 12 विकेट पेसर ने निकाला था, 3 विकेट वहां पे स्पिनर्स ने निकाले थे। अब मैं आपको ओवरऑल विकेट कॉलम समझाता हूँ। लास्ट 7 मैचेस के अंदर पेसर्स ने यहाँ पे 115 विकेट निकाले हैं भाई साहब। पहली पारी में 52, दूसरी पारी के अंदर 63। राइट आर्म पेसर का 68 है, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 47 विकेट्स है। लेफ्ट आर्म पेसर्स को यहाँ पे स्लोप का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, जैसे कि आप देख लो शाहीन अफरीदी एक बॉलर है, लेफ्ट आर्म पेसर है, स्लोप से वो एडवांटेज ले सकता है, बॉल गिर के उसको एक्स्ट्रा अंदर आ सकती है गेंद, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक्स्ट्रा स्विंग और एक्स्ट्रा एंगल देखने को मिलता है स्विंग के ऊपर फास्ट बॉलर्स के द्वारा। स्पिनर्स का 26 विकेट है, पहली पारी में 13 और दूसरी पारी के अंदर 13। ऑफ स्पिनर्स का 7, लेग स्पिनर्स का 16, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 3 विकेट है। स्पिनर्स बताऊँ कब गेम में आते हैं, जब टीम एक बड़े से स्कोर को चेस कर रही होती है सेकंड इनिंग्स के अंदर और वहाँ पे टीम अटैक करने को देखती है तब विकेट्स मिल जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल लास्ट गेम में लिविंगस्टन ने किया गया था, 3 विकेट खोल दिया था लास्ट के अंदर, ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। वरना स्पिनर्स के लिए विकेट में कुछ नहीं है, वो तो सिचुएशन डिमांड करती है कि आप सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स को अटैक करने जाते हो विकेट्स वहाँ पे मिल जाते हैं। या आप देखें सबसे लेटेस्ट पिच की फोटो है, ये लेटेस्ट तो यह वाली है राइट साइड वाली, आपको बताता हूँ मैं क्या हुआ था यहाँ पर। ये देखो आप, ये जब यहाँ पे 100 का फाइनल मैच हुआ था तो यहाँ पे इस पिच का इस्तेमाल किया गया था, ये हाइब्रिड पिच नहीं थी फाइनल के अंदर। ये आप पिच को देख सकते हैं, बहुत अच्छी पिच यहाँ पे देखने को मिलती है, ग्रास होती है पिच के ऊपर, और रिसेंटली यहाँ पे कुछ डोमेस्टिक मैचेस हुए थे ठीक है, तब ये पिच का इस्तेमाल किया गया था। ये फ्रेंडली मैचेस हुआ था कुछ यहाँ पे 8-9 सितंबर को कुछ फ्रेंडली मैच हुआ था, मैंने फोटो वहाँ से निकाली जुगाड़ करके। या आप देखो ऐसी पिचेस यहाँ पे देखने को मिलती है आपको। डायमेंशन स्क्वायर बहुत छोटा है यहाँ का, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने वाले प्लेयर्स को बहुत फायदा मिलेगा। सामने की बाउंड्री 84 मीटर से, स्क्वायर बाउंड्री 57 और 68 मीटर है, बहुत छोटा मैदान है। स्टेडियम का व्यू ये आप देख सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पिक्चर स्टेडियम। ये देखो आप क्या व्यू आ रहा है भाई, सब फैन हो जाओगे आप स्टेडियम के। अब देखें वेदर फोरकास्ट, देर आर 0% चांस ऑफ रेन। ये जो आपको सबसे राइट साइड में दिखता है ना, ये रेन के परसेंटेज बताता है, और अगर बारिश होती है तो कितनी मिलीमीटर बारिश होगी ये आपको बता देता है ये। तो यहाँ पे बारिश के 0% चांसेस है। तो आपको पिच रिपोर्ट कैसी लगी लॉर्ड्स लंदन की, कमेंट करके मेरे को बताना। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो। अब आपसे मैं कहूँगा सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको अपनी कला दिखाई है पिच रिपोर्ट के थ्रू। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, फाइनल पिचेस की फोटो वहाँ पे आती है, जैसे लास्ट मैच में आपको कैनिंगटन ओवल की दी थी मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का कमेंट सेक्शन के अंदर है। न्यूज़ कोई बड़ी नहीं आ रही है, और दोनों टीम्स आपस के अंदर 2023-18 के बीच में 8 मैच खेला है, 5 इंग्लैंड जीती है, 2 यहाँ पे न्यूजीलैंड जीती है। 11 की बात करते हैं, डेविड मलान का होम ग्राउंड है, मिडिलसेक्स का क्रिकेटर है ये, जी हाँ यहाँ पे बहुत क्रिकेट खेली है इसने। ये खेलेगा जॉनी बेयरस्टो के साथ, ओपन करने आएगा, जो रूट 1-1 है, पता नहीं भाई को क्या हो गया, स्ट्रोक से ही। फिर आएंगे जॉस द बॉस, मोइन अली, लिविंगस्टन, सैम करन, वोक्सी, फिर आते हैं यहाँ पे गस एटिंगसन, पेस है इनके पास, रिस टॉपली द डेंजर मैन इस गेम में आपको खेलता हुआ दिख सकता है। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, इस गेम में टीम शायद एक्सपेरिमेंट ना करे, स्पेशली न्यूजीलैंड की, इनके लिए मैच जीतना जरूरी है। डेवन कॉनवे ओपन करेगा विल यंग के साथ, वर्ल्ड कप में भी शायद आपको यही ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। 1-1 केन विलियमसन होंगे 1-1 वर्ल्ड कप के अंदर, फिलहाल हेनरी निकल्स खेल रहे हैं, फिन एलन भी आ सकता है। डेरिल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैटनर, काले जेमिसन, टिम साउदी, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट। लास्ट गेम में टिम साउदी और मैट हेनरी को रेस्ट दिया गया था, इस गेम में हाई चांसेस दोनों वापसी करेंगे। फर्गुसन भाई साहब पता नहीं क्या डाल रहा है, बस आ रहा है बस बॉल डाल रहा है वो, उसको खुद को नहीं पता बॉल कहाँ जा रही है, कहाँ गिर रही है, देख के बड़ा अजीब लगता है। उमरान मलिक हो गया भाई साहब, ये ज़्यादा फर्क रहा नहीं दोनों के अंदर। जॉनी बेयरस्टो 10 मैचेस में 533 रन से 60 की औसत है, और पिछले 2 मैचेस में फ्लॉप होकर आ रहा है, इस गेम में एक बड़ी पारी खेल सकता है, इसका दिन हुआ तो। बैटिंग फर्स्ट 4, 19, 138, 106, 60, कोई खास नंबर्स नहीं है बैटिंग फर्स्ट के अंदर, तो भी लास्ट गेम में मैंने भाई को बैक किया था, 0 पे आउट हो गया था पहली बॉल पे। शॉट्स अच्छा था वो तो फील्डर ने भाई करामाते कैच पकड़ लिया वहाँ पे, पहली बॉल इसकी मिडल हुई थी एकदम चाबुक। चेस के ऊपर 83 नाबाद 37, 104, 36। इस मैदान के ऊपर जॉनी बेयरस्टो ने 8 मैचेस में 376 रन करे हैं, 63 की एवरेज है, यहाँ पे एक शतक है, 2 अर्धशतक है 7 इनिंग्स के अंदर, तो अच्छा खेला लड़का है यहाँ पे, देखते हैं किस तरह से इस गेम में कम बैक करते हैं। डेविड मलान 2 मैचेस में 150 रन से, बैटिंग फर्स्ट 54, 96। इस मैदान के ऊपर 42 मैचेस के अंदर 1400 रन है, 35 की औसत है, 3 शतक है यहाँ पे, 5 अर्धशतक है 42 इनिंग्स के अंदर, रिसेंट फॉर्म 96-54 आया इसका ओडीआई सीरीज के अंदर।
दूसरे मैच में उसको रेस्ट दिया गया था, तीसरे मैच में कमबैक किया था। जो रूट के बारे में क्या कहूँ मैं, सीरीज के अंदर 10 रन बनाए और इससे ज़्यादा चौके डेविड मलान ने मारे हैं सीरीज के अंदर। जी हाँ, 10 रन जो रूट के हैं और 10 से ज़्यादा चौके डेविड मलान ने सीरीज के अंदर मार दिए हैं। 24 मैचेस हेड टू हेड के अंदर 943 रन से 47 की एवरेज है, वन ऑफ द क्लासिएस्ट बैटर, बट ट्रेंट बोल्ट आके इनका नंबर डायल कर रहे हैं और आउट करके जा रहे हैं भाई को। 9 मैचेस के अंदर 376 रन से वेन्यू के ऊपर 47 की एवरेज है, एक शतक दो अर्धशतक है यहाँ पे 9 इनिंग्स के अंदर, और देखते हैं कैसा खेलता है इस मैच के अंदर। स्टॉक्सी 16 मैचेस में 55 की औसत है, 661 रन से 16 विकेट हैं यहाँ पर इनके द्वारा, और चेस के ऊपर तो बहुत तगड़ा खेलता है। लास्ट गेम में बैटिंग फर्स्ट में भी पेल गया था कि बहुत तगड़ी इनिंग्स थी, वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक फ्रॉम एनी इंग्लैंड बैटर। वेन्यू के ऊपर 9 मैच में 318 रन है, 45 की एवरेज, यहाँ पे 250 नौ इनिंग्स के अंदर, और लास्ट टाइम इसने यहाँ पे अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया था 2019 के अंदर। जॉस द बॉस 23 मैचेस के अंदर 702 रन है, कैचेस बहुत पकड़ रहे हैं, लास्ट गेम में भी आई थिंक 3 कैच पकड़ा, एक स्टंपिंग करी थी वहाँ पे, तो अभी तक इसने हेड टू हेड के अंदर 28 कैचेस पकड़े हैं और 4 स्टंपिंग करी है। बैटिंग फर्स्ट में स्पेशल हो जाता है। वेन्यू के ऊपर 11 मैचेस में 321 रन है, एक शतक दो अर्धशतक है यहाँ पे, 16 कैचेस पकड़े हैं, 2 स्टंपिंग करी है 11 इनिंग्स के अंदर, और अच्छे टच के अंदर है, 38-30-72 अभी तक 3 मैचेस में बहुत अच्छे रन करके आ रहा है ये। लिविंगस्टन 3 मैचेस में 150 रन 3 विकेट है, बैटिंग फर्स्ट 52-95 नबाद 11, इस मैदान पे 2 मैचेस खेला है, 1 विकेट निकाला, 5 ओवर बॉलिंग करी है, बल्ले से 37 रन है। मोइन अली 9 मैच में 9 विकेट है और बल्ले से 131 रन है हेड टू हेड के अंदर, लास्ट गेम में भी इसने रन बनाए 12 और 1 विकेट निकाला। वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 4 विकेट 131 रन, हाईएस्ट यहाँ पे 47 किया है। सैम करन 4 मैच में 3 विकेट है, और जिसने 3 विकेट निकाला था ना इस मैदान के ऊपर, वो एक ही मैच में निकाल दिया था, तो आप कह सकते हो 4 मैच खेल के 3 बार यहाँ पे विकेट लेस गया है और एक बार इसने सीधा 3 विकेट निकाल दिया था। हेड टू हेड के अंदर 2 मैच में 45 रन 1 विकेट है, लास्ट गेम में 1 विकेट निकाला था। वोक्सी क्या स्पेल था भाई साहब, गजब का स्पेल था, अंडर द लाइट जिसने बॉल को स्विंग कराया, वहाँ पे क्लाउडी वेदर हो गया था और कंडीशन सूट कर रही थी फास्ट बॉलर्स को सेकंड इनिंग्स में, 15 मैच में 25 विकेट निकाला, फ्लैट विकेट था वो एकदम, पर वहां पे वोक्स की जो कला थी वो देखने को मिली। बॉलिंग फर्स्ट 6 मैच में 12, बॉलिंग सेकंड 9 मैच में 13 विकेटें हैं, और कंटिन्यूअस इसने बैक टू बैक 8 ओवर डाले थे एक साथ, 8 ओवर का स्पेल कंप्लीट किया था। टेस्ट में भी नहीं डालते कोई बॉलर 8 ओवर का स्पेल लगातार, स्पिनर को छोड़ गया बंदा डाल गया, 9वीं ओवर के लिए भी रेडी था, बटलर ने कहा थम जा बेटा रुक जा थोड़ी देर और भी हैं बॉलर्स। गस हटिंगसन 3 मैच में 1 विकेट है, लास्ट गेम में इसको बहुत छोटा स्पेल दिया मेरे समझ के बाहर था, क्यों छोटा स्पेल दिया, और ये नहीं खेला है इस वेन्यू के ऊपर, इसको करेक्ट कर लो, ये नहीं खेला है इस वेन्यू के ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं किसकी तरफ, रिस टॉपली, इस मैदान पे एक ही मैच खेला अगेंस्ट इंडिया, 6 विकेट खोल दिया था, हेड टू हेड के अंदर 3 मैच में 5 विकेट, बहुत अच्छा गेंदबाज है और कला दिखा था अपनी। विल्ली खेलेगा तो 5 मैचेस में इस वेन्यू के ऊपर 5 विकेट निकाल चुका, बल्ले से 134 रन है, लास्ट टाइम पे विराट कोहली का आउट किया था 2022 के अंदर, बल्ले से यहाँ पे 40 रन भी बनाए थे, तो अच्छा पिक है। वेन्यू के ऊपर 7 हेड टू हेड के अंदर 7 मैच में 12 विकेट्स है। हैरी ब्रूक हेड टू हेड के अंदर 2 मैच में 27 रन है, बेन स्टोक्स को रेस्ट देके हैरी ब्रूक को खिलाया जा सकता है, वेन्यू पे नहीं खेला। रॉय इस वेन्यू के ऊपर बहुत स्ट्रगल किया है, 13 मैचेस में 208 रन है, एक भी 50 नहीं है यहाँ पे, 13 इनिंग्स के अंदर 16 की औसत है, ये इनके हाल है यहाँ पे। हेड टू हेड के अंदर 12 मैचेस में 302 रन 25 की औसत है। आदिल 10 में 10 विकेट्स इस मैदान के ऊपर, हेड टू हेड के अंदर 15 में 18 विकेटें हैं। ब्रैड एनकर्स का 2 मैच में 2 विकेट 33 रन है। मार्क वुड का 5 मैच में 8 विकेट है इस मैदान के ऊपर। वेन्यू के ऊपर 9 मैच में 9 विकेट्स हैं। स्टार्टिंग ओवर वोक्स टोपली, डेवर के अंदर सैम करन, वोक्स टोपली, डेवन कॉनवे वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर, बट इनका रिसेंट फॉर्म में सीरियसली कम बहुत ज़्यादा डिप हुआ है, वो जो पहले मैच में शतक आया था उससे पहले कुछ नहीं किया था भाई ने। 3 मैचेस में 134 रन है, हेड टू हेड के अंदर 111 चेस के ऊपर, ये चेस पे आएगा इसको चेस पे करो, 111 नाबाद 14-9। वेन्यू के ऊपर नहीं खेला, रिसेंट फॉर्म बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। विल यंग हर गेम में अच्छे टच में दिखा, 3 मैचेस के अंदर 74 रन है, बैटिंग सेकंड 29-33-12, वेन्यू के ऊपर 12-33-29-3-15 इस तरह से इसने रन करे हुए हैं, अच्छे टच के अंदर है। लास्ट गेम में भी इसका टच अच्छा दिखा था, टच प्लेयर है, इंपॉर्टेंट हो सकता है कई मिनी जेल्स के अंदर आप ट्राई करिएगा इसको। हैंड एंड निकल्स आउट ऑफ फॉर्म, 9 मैचेस में 20 की औसत, 154 रन है एक्ट के अंदर, इस मैदान पे 2 मैचेस खेल चुका है, 63 रन किया था, 55 बैटिंग फर्स्ट 8 चेस के ऊपर, 55 इसने किया था वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर। डरेल मिचेल 3 मैचेस के अंदर 192 रन है एक्ट के अंदर, 118 नाबाद, बैटिंग सेकंड 57 एंड 17।
वेन्यू के ऊपर नहीं खेला, बट यहाँ का होम प्लेयर आप कह सकते हो उसका। मैंने आपको लोगो भी बना के दिया था इसका, ये देखो आप होम ग्राउंड का इसका लोगो बनाया है। रीजन क्या है, मिडल सेक्स के लिए बहुत आके यहाँ पे ग्रेट खेलता है, स्पेशली T20 ब्लास्ट के अंदर बहुत, मतलब ज़्यादा ही खेलता था ये पहले 2022-21 के टाइम पे भी खेला है, और इस साल इसने यहाँ पर द 100 खेला था लंडन स्प्लिट के लिए। इस वजह से डेरिल मिचेल पे मेरे को होम ग्राउंड का लोगो बनाना ही पड़ा। अब कहाँ गया डेरिल मिचेल, टॉम लैथम की तरफ चलते हैं। 10 मैचेस में 308 रन है, टॉम लैथम का 35 के एवरेज है। चेस के ऊपर बहुत अच्छा खेलता है, बट लास्ट गेम में भी स्ट्रगल किया। जो गेंद थी वह बॉल ऑफ द मंथ थी जो डाली थी क्रिस वोक्स ने, टॉम लैथम को बोल्ड किया था। टॉम लैथम गए कवर ड्राइव खेलने, स्ट्रेट ड्राइव खेलने, कवर ड्राइव ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रेट ड्राइव खेलने गया, बैट और पैड से गैप बना और बोल्ड हो जाते हैं वहाँ पे। इस वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 61 रन है, 5 कैचेस पकड़े हैं, 47 बैटिंग फर्स्ट, 14 रन चेस के ऊपर है। ग्लेन फ्लिप्स द वन मैन आर्मी शो लास्ट गेम में 3 मैचेस में 1 विकेट है। मैंने पोस्ट भी किया था कि ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट पिक होगा, क्योंकि वहाँ पे रचिन रविंद्र खेल रहा था और इतनी छोटी बाउंड्रीज होती है, केनिंगटन ओवल पे फ्लैट ट्रैक होता है और लेफ्टीज भी थे टीम के अंदर, तो ग्लेन फ्लिप्स का लॉजिकल सिलेक्शन बनता था वहाँ पे। 120 पॉइंट्स देखे गया था लड़का, और बाई वाला पिक था अपने एक्सचेंज ड्यूटी के अंदर अगर आपने खेला हो तो, क्लियरली वहाँ पे मेंशन किया था, इसको वैल्यूएबल पिक मान के चलो। मैंने शेयर नहीं करी थी पिक्स तो, बट मैंने खुद खेला था तब। रचिन रविंद्र 3 मैच में 3 विकेट, 3 विकेट्स हैं, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 32 रन बल्ले से। लास्ट गेम में बैटिंग से बहुत अच्छा दिखा था। काले जेमिसन का 2 मैच में 0 विकेट्स है, बहुत मार खा रहा है ये लड़का। फर्गुसन भाई क्या ही बात करूँ उनके बारे में, मैं 4 मैचेस में 6 विकेट है। लास्ट का गेम का स्पेल इनका देख लोगे आपको, ये कौन डाल रहा था बॉलिंग, बहुत खराब बॉलिंग करी थी, इनको खुद को नहीं पता था मैं कहाँ डाल रहा हूँ बॉलिंग। फॉर्म भी बहुत बड़ा कंसर्न, 1-1-0-1-1-3-0-2-1-2-1-0-0-0। वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 5 विकेट्स हैं, बॉलिंग फर्स्ट 2 विकेट, बॉलिंग सेकंड 3 विकेट है। ट्रेंट बोल्ट 2 मैचेस में 4 विकेट है, स्पेशल गेंदबाज है। हेड टू हेड के अंदर 14 मैच में 27 विकेट्स है, जब भी बॉलिंग करता है कमाल के स्पेल डाल के जाता है ट्रेंट बोल्ट। बेंजम लिस्टर इसका फॉर्म देखो यार, आप फैन हो जाओगे। 5-3-3-4-4-4-1-2-2-2-1-2, ये बंदा अलग है, आते हैं बेंजम लिस्टर। 3 विकेट्स हेड टू हेड के अंदर बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, वेन्यू के ऊपर नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर नहीं खेला ये। फिन एलन हेड टू हेड में 0, मिचेल सेटनर इस वेन्यू के ऊपर 2 मैच खेला बट ओवर इसने 6 ही डाले हैं। आप पे सोचो आप 2 मैचेस खेल के सिर्फ 6 ओवर बॉलिंग करना, नॉट सुटेबल फॉर मिचेल सेटनर। 0 विकेट्स है, हेड टू हेड के अंदर 14 मैच में 13 विकेट हैं। मैट हेनरी हेड टू हेड के अंदर 8 में 9 विकेट है। मैट हेनरी का भी फॉर्म बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। T20 ब्लास्ट में बहुत अच्छे टच के अंदर थे, बहुत अच्छे फॉर्म में थे, उससे पहले भी अच्छे टच के अंदर थे, बट पता नहीं भाई को क्या हो गया, 2 मैच में 1 विकेट है वेन्यू के ऊपर। टिम साउदी 2 मैच में 6 विकेट से इस मैदान के ऊपर, हेड टू हेड के अंदर 23 मैच में 40 विकेट्स हैं। स्टार्टिंग और बोल्ट मैट हेनरी, डेथ रो के अंदर टिम साउदी, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट। मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप में भी 3 गेंदबाज होने चाहिए, टिम साउदी, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट 11 के अंदर। फर्गुसन को बाहर बैठना पड़ेगा मोस्टली जिस तरह की बॉलिंग करी है। बैरिस्टो अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट 17 इनिंग्स के अंदर 6 बार आउट कर चुका है, 152 बॉल में 154 रन देखे। फर्गुसन ने 7 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 35 बॉल में 28 रन देखे, और कोई खास मैचअप नहीं है। डेविड वलान अगेंस्ट कोई खास मैचअप नहीं है, टच प्लेयर है ये, टच मतलब समझ रहे हो आप, टाइम करता है बॉल को सिर्फ, ज़्यादा मारने को नहीं देखता, आड़े तिरछे शॉट नहीं खेलता, क्लासिकल बैटर है। जो रूट अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट 14 इनिंग्स में 5 बार आउट हुआ है, दोनों साल राजस्थान रॉयल्स के कैंप के अंदर एक साथ थे, और पता नहीं भाई ट्रेंट बोल्ट ने ऐसा क्या देख लिया जो रूट के अंदर हर गेम में आ रहा आउट करके जा रहा भाई को। एडमलिन तो मौजूद नहीं है, रोल्ड आउट है, और कोई मैचअप नहीं है, बस ट्रेंट बोल्ट से बच के रहना है जो रूट को अच्छी इनिंग्स आ सकती है। स्टोक्सी अगेंस्ट बोल्ट 13 इनिंग्स में 5 बार आउट हुआ है, 89 बॉल में 14 रन है। लास्ट गेम में अच्छे टच में था बेन स्टोक्स और ट्रेंट बोल्ट भी, दोनों लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं। बटलर अगेंस्ट टिम साउदी 16 इनिंग्स में 5 बार, फ्लिप्स ने लास्ट टाइम आउट किया था 11 बॉल में 7 रन देखे। लिविंगस्टन अगेंस्ट बेंजम लिस्टर लास्ट गेम में आउट किया था 2 बॉल में 1 रन देखे। सैम गरन देख लें, मोइन अली का आप देख सकते हैं अगेंस्ट लुकी फर्गुसन 30 बॉल 46 रन 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। साउदी ने मोइन अली को 8 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है, 39 बॉल में 57 रन देखे। वोक्सी बैटिंग आई तो बोल्ट के सामने फंस सकता है, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट हुआ है, लास्ट गेम में लिस्टर ने आउट किया था। रॉय मैचअप ही मैचअप है भाई साहब, तो आप देखें अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट 14 इनिंग्स में 6 बार आउट हुआ है जसन रॉय, 111 गेंद में 106 रन है। मैट हेनरी ने 4 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है, 37 बॉल में 36 रन देखे।
विलियंग कोई खास मैचअप नहीं है, वोक्स ने लास्ट गेम में स्काउट किया था, 27 बॉल में 17 रन देके दो इनिंग्स में एक बार आउट किया है। डेवन कॉनवे अगेंस्ट गस हटिंगसन, 4 इनिंग्स में दो बार आउट किया है, 30 बॉल के अंदर 22 रन देके टॉपली ने लास्ट मैच में फंसाया था इसको, 39 बॉल में 35 रन देके 4 इनिंग्स में एक बार आउट किया है। डेरिल मिचेल अगेंस्ट सैम करन, 32 बॉल 46 रन 6 इनिंग्स में दो बार आउट किया है। हेनरी निकल्स की बात करें, ये सबको विकेट दे रहे हैं, वोक्स के सामने 34 बॉल 22 रन 5 इनिंग्स में दोबारा आउट हुआ है। बड़े सॉफ्ट डिसमिसल था लास्ट गेम के अंदर, हेनरी निकल्स जा रहे थे मिड विकेट के ऊपर शॉट खेलने, आउट हो जाते हैं शॉट मिड विकेट। टॉम लैथम अगेंस्ट क्रिस वोक्स, 39 बॉल 32 रन 5 इनिंग्स में दोबारा आउट किया। मोइन अली ने 77 बॉल में 72 रन देकर 8 इनिंग्स में तीन बार आउट किया है। फिलिप्स का मैचअप बनता है एटिंगसन के सामने, 6 इनिंग्स में तीन बार आउट किया, 24 बॉल में 21 रन देके। लिविंगस्टन ने 5 इनिंग्स में दो बार आउट किया, लास्ट गेम इन्होंने LBW किया था 41 बॉल में 57 रन देके। मिचेल सैटनर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप मैचेस पढ़ सकते हो इजीली। फिन एलन खेलेगा तो सैम करन के सामने फंसता है, 5 इनिंग्स में दो बार आउट हुआ है, 15 बॉल में 12 रन बना के। लास्ट मैच में विलियन ने आउट किया था, लेफ्ट आर्म पेसर के सामने उसको दिक्कत होती है, या पूरा देख सकते हो स्टैट्स की टीम कैसा खेलती है लेफ्ट आर्म पेसर्स को। इसमें इंग्लैंड का नाम भी है और इसमें न्यूजीलैंड का नाम भी है, तो आप पढ़ सकते हो 2021 से लेकर अभी तक कैसा टीम्स ने खेला है, मैंने आपको पहले बता रखा है सब। साइन अप कर सकते हैं आप विजन 11 के ऊपर, क्या फ़ायदा है, फ्री के अंदर आपको यहाँ पे ₹500 का साइनअप बोनस मिल जाता है, गिव अवेज चलते रहते हैं हर गेम के अंदर, और रेफर कोड स्टैट्स गुरुजी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंडिया बांग्लादेश का मैच है, उसमें आपको ₹1,00,000 का फ्री गिव अवे देखने को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कॉमन कैप्टन डेविड मलान, डेरिल मिचेल अलग जाना है तो ट्रेंट बोल्ट हो गया, ग्लेन फिलिप्स हो गया, जॉनी बैरिस्टर, जॉस बटलर को रोटेट किया जा सकता है। अब चलते हैं किसकी तरफ, ये देखें आप मोबाइल ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, स्टैट्स गुरुजी नाम से, जो स्टैट्स वीडियो में देता हूँ ना सब आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। टीम्स की बात करें फटाफट, फिलहाल मैंने कैप्टन कर रखा है ट्रेंट बोल्ट को, वाइस कैप्टन मेरे पास लियम लिविंगस्टन है, जो हर बार आपको फैंटेसी वाली दे रहा है विद द बैट या तो विद द बॉल, जो रूट बैक करूंगा भाई को, अच्छा क्रिकेटर है, बटलर है, आप स्टोक्सी हैं, डेविड मलान, ग्लेन फिलिप्स को लिया हुआ मैंने, और फिर यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट, टीम साउदी, टॉपली, वोक्स, ये चारों गेंदबाज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशल बॉलर्स हैं। वोक्स भी बहुत अच्छी बॉलिंग किया लास्ट गेम के अंदर, टॉपली स्वेन्यू के ऊपर लास्ट टाइम जब खेला था 6 विकेट निकाले थे भाई ने। अब देखिए कीपिंग में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन से चारों खेलते हैं, बटलर सबसे बेस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको वैल्यू देता है विद द बैट और कीपिंग भी कर रहा है, और स्टंपिंग के पॉइंट्स, कॉर्ड बैंड के पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको। तो बैरिस्टो ट्राई करिएगा, उसको स्पेशल क्रिकेटर है, चेस के ऊपर ज़्यादा स्पेशल हो जाएगा, बैटिंग फर्स्ट में भी नंबर्स अच्छे हैं, 2 शतक है बैटिंग फर्स्ट में एटवर्ड के अंदर, इस वेन्यू के ऊपर 8 इनिंग्स में 1 शतक 2 अर्धशतक है इस मैदान पे, तो बैरिस्टो एक अच्छी इनिंग्स खेल के जा सकता है इसका दिन रहा, तो कुछ टीम्स में ट्राई जरूर करना। लास्ट गेम में मैंने लिया था, इस गेम में शायद मैं बैक नहीं कर पाऊंगा इनको। कॉनवे ट्राई किया जा सकता है, लेट्स सी कैसी पिच होती है। बैटर सेक्शन के अंदर अगर टॉपली खेलता, वोक्स खेलता तो रिस्की भी हुआ इसको लेना कॉनवे को। जो रूट स्पेशल क्रिकेटर है बट आउट ऑफ फॉर्म, अगर ट्रेंट बोल्ट खेलता तो उसके ऊपर एक और थ्रेट आएगा, टिम साउदी आ गया, मैट हेनरी आ गया तो और बड़ा थ्रेट हो सकता है। स्टोक्सी लेट्स सी कैसा खेलेगा, लास्ट गेम में मिडिल फील्ड में कोई विकेटिंग ऑप्शन था ही नहीं इनके पास, डेरिल मिचेल से बॉलिंग कराई थी इन्होंने रचिन रविंद्रा से और ग्लेन फिलिप्स से, मतलब सीरियसली को मिडिल फील्ड में कोई बॉलर ही नहीं था, ना मैट हेनरी खेला था, ना टिम साउदी खेला था, ना वहाँ पे कोई ढंग का बॉलर खेला, तो कहाँ से विकेट्स मिलते। फर्गुसन तो आके बस बॉल फेंक रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, आके बस बॉल फेंक रहा था, अब खुद नहीं पता था उस भाई को कहाँ डाल रहा है। हैरी ब्रुक लेट्स सी, मलान टच क्रिकेटर लेट्स सी, लोकल प्लेयर। विलियंग फिर से कहूँगा कुछ टीम्स में ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ही साउंड बैटर है और टेक्निक बहुत सॉलिड बंदे की। ऑलराउंडर में सैम करन आप लेके जा सकते हो, मैं जाऊँगा यहाँ पे मिचेल के साथ और लिविंगस्टन के साथ। बॉलिंग सेक्शन में देखें ट्रेंट बोल्ट इंपॉर्टेंट है, वोक्स इंपॉर्टेंट है, टिम साउदी इंपॉर्टेंट रहेगा खेलता है तो, और यहाँ पे मैंने टॉपली लिया हुआ है। मैट हेनरी और विल्ली खेलेंगे तो आप टीम में रख सकते हो, बिकॉज विकेट टेकिंग, गेंदबाज और बैटिंग से वैल्यू मिल जाती है। देखते रहिए स्टैट्स, मुझे मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर शाम के 4:30 बजे। लव यू, जय हिंद।